हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये फ़ोन आया है एक दुकानदार भाई पास में लेके आए हैं, हरे मोबाइल वाला। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके स्क्रीन पर ना ग्राफिक है और ना लाइट। फ़ोन ऑन कंडीशन में है लेकिन ना ग्राफिक और ना लाइट। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है और इसको हम किस जगह से फिक्स करेंगे। ये चार्जर, हाँ, इसमें मैं लगाता हूँ। ये मैंने चार्जर लगा दिया है। ऊपर साइड में आप लोग सप्लाई पर देख सकते हो, चार्जर इनफेयर जो है वो बराबर ले रहा है। इधर इंटीग्रेटर लाइट भी ऑन हो गया है और 0.7 तक यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इम्पेयर भी ले रहा है। मतलब फ़ोन ऑन कंडीशन में है लेकिन इस पर ग्राफिक और लाइट दोनों नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं फिक्स। ये वीडियो काफ़ी आप लोगों की हेल्प करने वाली है। अगर आप लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसको आप कैसे फिक्स करोगे। वीडियो को फुल देख लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। तो चलो, सबसे पहले हम इस फ़ोन की करेंगे कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग के लिए हम इसके कनेक्टर पर आएंगे और कनेक्टर के सारे पॉइंट चेक करेंगे कि इसमें कोई पॉइंट वगैरह मतलब ब्रेक तो नहीं है, ठीक। तो उसके लिए मैं अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये मैं आ गया माइक्रोस्कोप स्क्रीन पर। तो चलो कूल टेस्टिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट है, हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, जो पहला वाला पॉइंट है, ठीक, इसको करेंगे चेक। तो ये आप देख सकते हो, ये ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है, जो ज़्यादातर कैथोड वाला पॉइंट होता है, ये भी ग्राउंड पॉइंट है। नेक्स्ट जो है ये भी ग्राउंड पॉइंट है। इसके बाद ये वाला जो है, इसमें 488 समथिंग की वैल्यू आ रही है, ओके है, ठीक है जी। नेक्स्ट मीपी की ये लाइन है, ये वाला भी सेम 492-93, ओके है। ये वाला फिर ग्राउंड है, ठीक है जी, ये वाला फिर ओके, उसके बाद फिर भी ओके है। नेक्स्ट वन जो है वो ग्राउंड है, इसके बाद ये वाला ओके है 480, ये वाला पॉइंट में से। ये आप लोग देख सकते हो, इस पर कुछ वैल्यू वगैरह नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। पास वाला जो है वो ओके है लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। ये वाला भी ये जो फ्यूजिबल क्वाइल लगा हुआ है इसके नीचे भी नहीं है, एक साइड पर है और एक पर नहीं है। तो चलो, पता तो हमें चल गया कि प्रॉब्लम जो है वो इसी लाइन से है। अभी हम यू करेंगे के देखेंगे कि ये लाइन कहाँ से आया हुआ है, ठीक, ओके। पहले मैंने मॉडल को कंफर्म किया आके मॉडल कौन सा वाला है, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके बोर्नियो में और यहाँ पे मैं इसका मॉडल नंबर सर्च कर लेता हूँ, ओके। तो ये यहाँ पर दो फाइल इसने सर्च कर लिए हैं। मैं इसको ओपन कर लूँगा हार्डवेयर सॉल्यूशन में ही, क्योंकि नॉर्मली ये आप लोगों को पता है कि मिफी की जो लाइन होती है वो सीधा सीपीयू में से आती है, लेकिन कुछ नए लोग हैं शायद जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है, बाकी सब भाइयों को पता होता है। तो ये वाला जो लाइन है और ये आया है सीधा सीपीयू आईसी में से, ठीक। तो इसके लिए अभी नॉर्मली हमें इसी सीपीयू को उठाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम इसको फिक्स करें, क्योंकि अक्सर औकात सीपीयू ज़्यादा हीट होने की वजह से लोग इस पर काम करते हैं, या फिर फ़ोन गिरने की वजह से इसकी जो सीपीयू आईसी है उसका जो पॉइंट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो चलो, सबसे पहले हम यू करते हैं कि इसकी सीपीयू को निकालेंगे। सीपीयू को निकाल के बाहर इसको करेंगे रिवॉल्व और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है या नहीं। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने होगा।
चलो जी हम यहाँ से ही शुरुआत इसकी कर लेते हैं। कैमरे को पहले एडजस्ट कर लें। हो गया जी? ओके। अभी इस टाइम पर मैं जो हीट गन यूज़ कर रहा हूँ ये है सोगन का 861DX, सॉरी CSC 10 DX में यूज़ कर रहा हूँ। और इस टाइम पर जो मैंने हीट रखा है इसका, इसकी जो टेम्परेचर है वो है 350 और एयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 80 पर। तो आप देख सकते हो कितने आसानी के साथ ये आईसी उठ गए। नीचे आप लोग देख सकते हो ये आईसी कुछ ऐसी लग रही है ना कि शायद इस पर पहले से किसी ने ट्राई की हुई है और सही आईसी कनेक्ट नहीं है। जैसे कि ये वाले बोल जिस पे मैं जो प्रोब घुमा रहा हूँ ना मल्टीमीटर का, वो सारे डिसकनेक्ट ही लग रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, तो चलो अभी हम यूँ करते हैं कि इसकी सफाई को शुरू कर लेते हैं। ये आप लोगों के सामने है, देख सकते हो इसको। ठीक, आईसी को मैंने उठा लिया है। अभी हम आईसी को भी क्लीन करेंगे और नीचे जो सर्किट पर वॉल है इसको भी क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको वापस रिबोल करके, आईसी को रिबोल करके हम वापस इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है या नहीं। ये सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने होगा। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत करते हैं हम, और ये सभी आप लोगों के लिए होता है। सो लाइक कर दिया करें। ठीक है जी, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब भी आपके पास फ़ोन आए ना और इसमें आप आईसी रिलेटेड काम करो तो कोशिश कर लिया करें कि इसमें देख लिया करें हम के साइड में कोई रेजिस्टर कैपेसिटर वगैरह डैमेज तो नहीं हुआ है। तो ये है आईसी, ये आप देख सकते हो। अभी हम इसको करेंगे क्लीन और उसके बाद इसको करेंगे रिबॉल्व। तो चलो जी, ये अभी सीपीयू क्लीनिंग टाइम है तो अभी हम सीपीयू को करेंगे क्लीन। तो उसके लिए सेम मैं यूज़ करूँगा डी सोल्डर वायर को। डी सोल्डर वायर को लगाएंगे और इसी की मदद से हम इसको करेंगे क्लीन। अभी मैं जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ, यानी जिसको हम नॉर्मली काविया कहते हैं, तो वो इसकी जो हीट है वो भी मेरे पास ऑटोमेटिक वाली है। बिट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कट बिट है, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और जो हीट इसका है वो है 450 पर, और हालांकि इसमें 500 है लेकिन 450 पर मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ज़्यादा हीट से आईसी जो है ना फुल जाती है, ख़राब हो जाती है। चलो जी, ये सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने हो रहा है। यहाँ पर कुछ यूँ हुआ था कि मेरा जो माइक्रोस्कोप कैमरा है वो थोड़े मेरा ख्याल नहीं था और वो बंद हो गया था, तो इस वजह से वो नहीं आया है, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन बाकी सब कुछ क्लियर आप लोगों को इसी वीडियो में भी दिखेगा। ओके जी, अभी नेक्स्ट टाइम है इस आईसी को रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, आईसी को हमने क्लीन कर लिया है, अभी हम इसको रिवॉल्व करेंगे। और रिवॉल्व करने के कुछ उसूल अपने पास याद रख लिया करें। एक तो जो स्टेंसिल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आपके पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है तब भी आईसी के नीचे टिश्यू पेपर को यूज़ कर लिया करें। ठीक, आईसी के नीचे जो है ना टिश्यू पेपर 2-3-4 मरतबा फोल्ड करके उसको रख लिया करें। एक तो इससे जो है ना आपकी आईसी जो है वो एक साइड या दूसरे साइड पर मूव नहीं होती। ठीक, नंबर दो, आप यू कर लिया करें कि जो आप पीपीडी यूज़ कर रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें। स्पेशली मैं यूज़ करता हूँ मैकेनिक की। ठीक है जी, आप लोग अगर मैकेनिक की यूज़ करते हो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है लेकिन मैकेनिक की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, बेस्ट है, तो इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, सो आप, और दूसरी लास्ट जो आप लोग को सजेशन देना चाहूँगा वो ये है कि पीपीडी जो होती है उसमें एक लिक्विड सा होता है, तो उसको खुश कर लिया करें। ठीक है जी, किसी कार्टन के कपड़े से या फिर टिश्यू की मदद से आप उसको जो है ना साफ कर सकते हो, सॉरी खुश कर सकते हो। ठीक है जी, जो कि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो।
ओके इसके बाद अपने स्टेंसिल को अच्छे तरीके से इसके ऊपर रख के, ठीक है जी, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जो है ना पूरे मतलब आईसी के ऊपर पीपीडी को फेर ले, ठीक है जी, अच्छे तरीके से। फिर जब आप इसके ऊपर ट्रूज़र रखते हो ना, तो कोशिश कर लिया करें कि ट्रूज़र को हल्का रखें, उसको ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, ठीक। अगर आप ज़्यादा ज़ोर दोगे ना तो स्टेंसिल की जो फेट है वो बाहर की तरफ निकल आएगी और इससे आपका रूबेलिंग प्रोसेस मुतासर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो चलो जी, आईसी हो गई, ये रिबॉल आप लोगों के सामने है, ठीक। ये है आईसी, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक बॉल इसका परफेक्ट रिबॉल हो गया है। जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया गया, आप लोग इसी तरीके को फॉलो करोगे तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी सिंपल तरीके से आप जो है ना आईसी को रिबॉल कर पाओगे, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से आईसी हो गई ये रिबॉल। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है वापस री इंस्टॉलेशन का। तो री इंस्टॉलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, ठीक है जी। पेस्ट यहाँ पर अभी जो आप लोग लगाओगे तो हल्का पेस्ट यूज़ करें, मतलब एक तो मकदार इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरा पेस्ट जो है ना अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आईसी उठाते वक्त आप लोगों ने उसके नोज़ कट का जो नोज़ कट पॉइंट होता है उसका ख्याल रखना है, और आईसी वापस इंस्टॉल करते वक्त भी उसका ख्याल रखना चाहिए ताकि नोज़ कट पॉइंट उसी साइड पे हो, ठीक। तो पहले आप हर आईसी के साइडों में आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 95% आईसी के साइडों में इसके जो है ना बाकायदा लाइन सी बनी होती है, एक बॉर्डर सा होता है। तो पहले आप आईसी को उसमें एडजस्ट कर ले, ठीक है। चाहे आपसे एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट ले ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले आप आईसी को वहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर ले। इसके बाद आप लोगों ने हीट तो सेम रखनी है लेकिन एयर को कम करना है। बिल्कुल आप ऐसा करें कि 1, 2 या 3, 4, 5 तक लेके आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एयर बिल्कुल कम होना चाहिए, ठीक है। और आईसी को हीट करते रहें, ठीक है, आईसी को हीट करते रहिए और तब तक आईसी को हीट करो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आईसी को आप लोग मेरे ट्यूज़र को भी देख सकते हो, हीट गन को भी देख सकते हो, मैं आईसी को टच वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इसको सिर्फ हीट कर रहा हूँ और टाइम टाइम के साथ मैं थोड़ा सा इसको हीट कर रहा हूँ। थोड़ी देर इसको हीट करने के बाद आप अपने हीट गन का जो हीट एयर है इसको ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं अपने हीट गन का एयर जो है ना मैंने इसको ज़्यादा कर लिया है, इसको मैंने तकरीबन 50 पर लेके गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आईसी जो है वो हीट हो गई है और उसके जो पॉइंट है ना वो नीचे बिल्कुल जुड़ गए हैं आपस में। अभी इसके बाद मैंने जो एयर है इसको और भी ज़्यादा कर लिया है, मतलब मैंने इसको 80 पर मैं लेके गया हूँ, ठीक है। तो 350 मेरा जो है वो हीट है और एयर को मैं 80 पर लेके गया हूँ। अभी सिर्फ यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको फुश करके सिर्फ चेक कर लिया कि आया ये अच्छे तरीके से बैठ गई है या नहीं। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा पेस्ट और यूज़ किया, थोड़ा सा पेस्ट को इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं पहले आईसी लगाते वक्त पेस्ट बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब पेस्ट नीचे ज़्यादा होता है ना तो आईसी उसके ऊपर तैरती रहती है, फिर मसला बन जाता है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो आईसी को इस तरीके से अच्छे तरीके से हीट करना है और सिर्फ ट्रूज़र की मदद से लास्ट में चेक करना है कि हाँ आईसी बैठ गई है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसी बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट बैठ गई है, ठीक। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये बोर्ड जो है ना अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए, क्योंकि इसका बोर्ड जो है ना वो ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें ताकि वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। फिर उसके बाद आप इसको क्लीन कर लिया करें, साइडों में अगर आपने काम किया हुआ है, शायद पीपीडी वगैरह गई हुई है, तो ऐसा ना हो कि वो दूसरे दो जगहों में के साथ टच हो के कोई जगह शार्ट हो जाए या फिर जो है ना
वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बंदा काम करे तो काम के बाद बोर्ड क्लीन होना चाहिए। अक्सर औकात मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं देखता हूँ लोग उस पर काम करते और बोर्ड की हालत इतनी गंदी होती है ना कि दूसरे का दिल नहीं करता काम करने को। तो चलो एक मरतबा अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, ओके कि नहीं। तो सेम वही है और अभी हम इसको चेक करेंगे कि मेरा जो फॉइंट है अभी वो कनेक्टेड है या नहीं, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल परफेक्ट है, हालांकि मेरा कैमरा नहीं देख रहा है मल्टीमीटर वाला, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कनेक्ट हो गई है और ओके है, अच्छे तरीके से सारे बोल कनेक्टेड है। ठीक, जो फ्यूजिबल कॉइल जितने भी थे वो सारे कनेक्टेड हैं। तो चलो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अभी जल्दी से हम इसको वापस फिट करेंगे। तो बात ये करने वाला था ना कि बोर्ड की सफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड जब गंदा आता है ना तो अच्छा नहीं लगता, दूसरे का दिल नहीं करता उस पर काम करने को, तो इस वजह से काम जो है ना साफ होना चाहिए। चलो जी अभी हम इसको वापस असेंबल करते हैं, ठीक। बैटरी वगैरह को कनेक्ट भी कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे चार्जर और चेक करेंगे कि फ़ोन की कंडीशन क्या है, ओके हुआ है कि नहीं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है चार्जर, अभी स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो स्क्रीन आ गया है इस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो हो गया है पिक्स बिल्कुल ओके। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ पता तो चल गया होगा कि मीफी की जो लाइन है ना वो डिसकनेक्ट होने की वजह से आपके फ़ोन की ग्राफिक और लाइट दोनों चल जा सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंजीनियर इफ्तिखार खान साइनिंग आउट।